ये क्या कर रही हो तुम? अपने गांव की खासियत लिट्टी चोखा बना रहे। नंदू वो रॉयल फैमिली से है, कोई सड़क छाप लोग नहीं है, उन्हें लिट्टी चोखा खिलाओगी तुम? देखिए भाभी, अभी हम आपके खट्टे मीठे ताने नहीं सुन सकते, हमें आदर्श बहू की जिम्मेदारी भी निभानी है। ठीक है, निभाओ आदर्श बहू की जिम्मेदारी, कूदो कुएं में, मुझे क्या, बाद में कहती रहना फिर कि काश मैंने प्रिया भाभी की बात मान ली होती। क्या आपने तो बोला था ना कि आधे घंटे में लेके आएंगे आप। अरे क्या ट्रैफिक है, कहाँ हुआ? अरे किसी मिनिस्टर की रैली निकली हुई है शहर में, कह रहे कि 2-3 घंटे लग जाएंगे खाना आने में। उधर दादी बोल दी है सबको कि खाना रेडी, अब क्या करूं मैं? देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे, आप बाहर जाइए। क्या संभाल लेंगे? हम कह रहे हैं ना, हम संभाल लेंगे। हेलो आकाश, नंदिनी को बोलो जल्दी से खाना परोस दे, हमको साइड पे जाना, लेट हो जाएगा। हाँ दादी, बोलता हूँ मैं, आप बैठिए ना, ठीक आइए ना। ये आकाश परेशान क्यों लग रहा है? सब सही तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तू ही गवाह खाना तैयार। ये तो लिट्टी चोखा है, ये रॉयल गेस्ट को पसंद आएगा? अब आएगा मजा। क्यों, क्या किया इसने? देख भी जाओ। अच्छा ये बताओ, ये है क्या? ये है हमारे यूपी बिहार की शान, जिसे खाते ही मिट जाती है थकान, और जिसे देखते ही चटकारे मारने लगती है जुबान, और जहाँ ये बिकती है ना, वहाँ लोगों से खचाखच भर जाती है दुकान। हमारे प्रदेश की शान ये है लिट्टी चोखा। अरे वाह, तुम तो कवि भी बन गई। अब ये बताओ इसको खाते कैसे हैं? बताते हैं। ये है चोखा, और ये है लिट्टी। इसे ऐसे तोड़ के चोखे के साथ खाना होता है। खाइए। एकदम स्वादिष्ट खाना है। जिंदगी में शायद ही ऐसा मैंने कुछ खाया है। चलिए हम लोग निकलते हैं, हमारी मीटिंग के लिए लेट होगा। अरे एक मिनट, मुझे नंदिनी बेटा तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी है। सेल्फी? फोटो, फोटो लेने के लिए बोल रहे हैं तुम्हारे साथ। ये फोटो इसलिए ले रही हूँ ताकि जब भी मैं ये फोटो को देखूं मुझे लिट्टी चोखा का स्वाद याद आए। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं, सहेज के रखिएगा अपनी बहू को, क्योंकि किस्मत वालों को नसीब होती है ऐसी बहू। बोले भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जी। जी आकाश, हम लोग को निकलना चाहिए, लेट हो जाएगा। आइए ना, चलिए चलिए जी। नंदू,
तुम जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा में अव्वल पास हुई हो। मैं मीटिंग में जाके आ रही हूँ। सुबह जब सारी दुनिया सो रही होती है, देखा नहीं वो चंटू मैया को कैसे पंख लगा के आसमान में उड़ी चली जा रही है। और आकाश इसने ही इस चंटू मैया को पंख लगा कर दिए है। हम उसी से इसके पंख को तरवाएंगे। लेकिन कैसे? चोरों की तरह रसोई में क्या कर रहे हैं? वो तुमने बहुत अच्छा बनाया। वहाँ पे गेस्ट के सामने खा नहीं पाया ना, इसलिए अभी खा रहा हूँ। तो फिर हमें बताते ना, हम गर्म गर्म लिट्टी बना देते। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने पति के लिए कोई भी काम करना परेशानी होती है का भला? हम भी बनाते हैं। प्लेट में दीजिए। और भी ज्यादा टेस्टी है। एक कबूतर कबूतरी की गुटर को कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही। एक गांव की किसान प्यार मोहब्बत का फसल उगाने चली है। इससे पहले कि फसल उगे और हमको कोई नुकसान पहुंचाए, इन दोनों के प्यार मोहब्बत को रोक लगाना ही पड़ेगा। ठीक कह रही हो सासू माँ, इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कमियां, कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। क्या हुआ दादी माँ? नंदनी, तुम जानती हो लकड़ी का सामान दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उठाने पर पता चलता है कि उसमें दीमक लगा है। बाहर से चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उठाने पर पता चलता है कि दीमक ने उसे खोखला कर दिया है।
उसी तरह से दुलारी ने हमारे घर को खोखला कर दिया है। बाहर से हमारा घर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से हमारे घर का सुख, चैन, खुशियां सब कुछ छीन लिया है। दुलारी ने हमारे घर का चैन छीन लिया है, हमारे घर को तबाह कर दिया है। दादी माँ, हताश मत होइए। देखिएगा, एक दिन हमारा पूरा परिवार एकजुट जरूर होगा। हमें बहुत बुरा लगता है नंदनी, कि हमारे पति की एक गलती की वजह से आज हमारा पूरा परिवार परेशान हो रहा है, और मैं हमारे परिवार की रक्षा भी नहीं कर पा रही। दादी माँ, अब परेशान मत होइए। देखिए, आप बस बहुत इज्जतदार और संस्कारी है, और इतनी प्यारी है कि किसी को दुख नहीं दे सकती, यहाँ तक कि अपने दुश्मन तक को नहीं। दुलारी जैसे दुश्मन के लिए संस्कार को पराया करना पड़ता है और हथियार को उठाना पड़ता है। जैसे माँ दुर्गा ने किया, दादी माँ। सुमित्रा के हाथ में कटारी, लगता है आ गई दुलारी की बारी। दादी माँ, हमें हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ना है। दीजिए, दीजिए। वो कहा है कि अगर हथियार से लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो जीत जाए, पर अगर दिमाग से लड़ेंगे तो उनकी हार पक्की है। दादी माँ, एक आदर्श बहू के राज में ना घर में सुख शांति बनी रहती है, पर एक तेरे राज में घर की मुखिया परेशान, उदास, हताश हो गई। अरे बिचारी सुमित्रा अमरी, ए बोड़े बाबा, सुमित्रा पे दया कर। शर्म नहीं आती है? आई बड़ी आदर्श बहू बनी, देख चल कमिया। नहीं, अब दादी माँ के और आंसू नहीं बहने देंगे। माँ बेटे की असलियत सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अंग्रेजी रो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अभी बिजी हूँ, बाद में आना तुम। बाद में बहुत देर हो जाएगी। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा बाद में, बताओगे तो। मैंने कहा ना, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। पहाड़ टूट रहा है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं, घर के मुखिया के ऊपर। इसलिए उन्हें मुश्किल से बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक प्लान है, वही बताने आए। प्लान नहीं, उसको प्लान कहते हैं। हाँ, तो बात ये है कि फिर प्लान, मैंने बोला ना उसको प्लान कहते हैं। अरे प्लान ही तो बोल रहे हैं हम, अपनी बात तो सुनिए। एक तो जो सिखाऊंगा वो तो सीखोगे नहीं, बस फालतू की बातें करा लो तुमसे। हम फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, पर ठीक है, अब कुछ नहीं बताएंगे, आप कुछ आ रहे। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, जाओ अब। बहुत मेहरबानी हमारी तरफ से भी, जय राम जी। बैठिए, आप ठीक कर देंगे। इधर देखिए, छोड़ो मुझे। आप अपनी बात तो सुनिए, इधर देखिए। अब तो और दर्द हो रहा है, तुम मेरे रूम से जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक ही कह रहे थे, मैं कह रहा जाओ यहाँ से। हम तो बस बड़ी दादी को मुश्किलों से निकालने के लिए पिलान लेके आए थे, पता नहीं कहाँ समझते अपने आप को। ठीक है,
कुछ नहीं बताएंगे, जा रहे हैं हम। बहुत जल्दी तुम दोनों की विदाई करने वाले हैं। ये सही मौका है इन दोनों माँ बेटों की असलियत को सामने लाने का। इनके कमरे की तलाश लेते हैं, जरूर कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। इसलिए मंगरे चीरू की मदद मांग रहे थे, लेकिन नहीं, वो तो हर वक्त अपने अकड़ में रहना होता है। हमारी समझ का कहाँ है यहाँ पे? ये बस्ता देख लिया हमने, ऐसा लग रहा है ससुरा आठवा अजूबा आके टपका हमारे कमरे में, साक्षात नंदू रानी हमारे कमरे में। अरे हमका पहले बता दिया होता हमारे कमरे में पधार रही हो, तुम्हारे लिए रसगुल्ला मंगवा देते। ससुरा, हम कहीं फिर से सपना अपना तो नहीं देख रहे? पिए भी नहीं है। ए नंदू रानी, ए हमारी चिमटी काटो जरा, कार्टून हमें लग रहा हम सपना अपना देख रहे हैं। यहाँ काटो चिंटी हमारे, काटो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तोड़ दिया, अरे पैर तोड़ दिया इसने ससुर, हमारा पैर तोड़ दिया। अरे क्या कर दिया तुमने, चिमटी लेने को कहा था, इतना लग रहा है हमें किसी आग ने काट लिया। हाँ? अरे 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 अरे, हंसना नहीं था नंदू रानी, हंसना नहीं था। हम हंसना ही रहे, तुम्हें हंस के फंसा रहे ताकि तुमसे निकलवा सके कि तुम और तुम्हारी अम्मा दुलारी जी हमारे ससुराल में काहे आए हो। दीदी, आपने नंदनी को देखा क्या? अब भैया वो दुलारी के कमरे की साफ सफाई करने गई हैं। पर वो क्यों गई है? हम जाने वाले थे पर दीदी बोली कि उन्हें जाना है, पता नहीं क्यों वो अकेले चली गई। इस लड़की को कब अकल आएगी? कितनी बार बोला है उसे बीरा और दुलारी से दूर रहने के लिए। अब जो है कैसे समझा कैसे समझा। हाँ, बीरा को अपनी हंसी से भावला करने के चक्कर में तुमको मिलती है सजा। देखिए नाटक बंद कीजिए, हटिए, हमें सफाई करनी है। हटिए। अरे हटाओ, सफाई भाई छोड़ो। कहाँ तुम सफाई भाई के चक्कर में पड़ी, हम कहे तुमसे आशिकी करो, प्यार करो, व्यवहार करो, दिल लगाओ, हमसे दिल भाई कर लो। तो कर तुम करोगे हमारी जगह सफाई? अरे सफाई क्या, हम तुम्हारे कढ़ाई बुनाई डस्टिंग मस्टिंग कपड़े लत्ते सब कर देंगे। इसे कहें हाँ, खुदा की खुदा एक तरफ और तुम्हारे लिए कमरे की सफाई बीरा करेगा एक तरफ। करो। करें? जा रहे? देखो उस चूल्हा पे कितना गंदा है। अरे तुमसे तो नजर हटे। लियो। कहाँ चली गई? ये दोनों इतने साधारण कपड़े में हरिनगर गांव तो यहाँ से पास में ही है ना,
हमें फोटो वाले की दुकान में जाकर लोगों की असलियत पता कर सकते हैं। नंदनी एक बात बताओ मुझे, तुम उस दुलारी के रूम में क्यों गई थी? वो कहा है कि हमने किसी से मदद मांगी थी और उन्होंने हमें कमरे से निकाल दिया। मैं काम कर रहा था। हाँ तो हमें भी जरूरी काम ही था आपसे। देखो तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, जाओ। एक मिनट भैया, एक मिनट, इतना खुश क्यों हो रहे हो? इंडिया वर्ल्ड कप जीत लिया क्या? अरे मेरे भाई, वर्ल्ड कप जीतने से भी बहुत बड़ी खुशी की न्यूज है। ये भारद्वाज खानदान में ही वर्ल्ड कप आ रहा है। ये तेरी भाभी प्रिया प्रेग्नेंट है। क्या बात कर रहे हो? ये प्रिया इस घर को उसका वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा होने से इस महल के उत्तराधिकारी की रेस में से नील आउट हो जाएगा। दादी, हम बहुत खुश हुए हैं। थैंक यू। जीती रहो। भाभी, मुबारक हो। पता है, हमने बचपन से दादी नानियों से कहानियां सुनते थे ना, तो ऐसा सोचते थे कि अभी दूसरे बच्चों को कब सुनाएंगे, पर अब आपने हमें वो मौका नहीं दिया। धन्यवाद। और हाँ सुनिए, आज के बाद से आपका सारा काम हम करेंगे और आप सिर्फ आराम करेंगी, समझी? ओके। ज्योति भाभी, कांग्रेचुलेशंस। ओह थैंक यू भाभी। दादी दादी दादी, सबसे ज्यादा खुश तो आप ही होंगी ना, है ना? आशीर्वाद दीजिए। गले लगी कम आराम से। चाची, नाम तो ना चाची ही रखेगी, है ना चाची? सूरज यहाँ आइए। ले भाई, भाई, भाई। अरे ले बजा ना। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। शुरुआत का समय है तो बहुत सतर्क रहना होगा और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी दादी, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अरे तुम नाच क्यों नहीं रही? नाचो ना। ये कैसे हो गया? ये प्रिया हमसे पहले परिवार को वारिस नहीं दे सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ करना होगा। नहीं, ये वारिस को मैं इस घर में पैदा नहीं होने दूंगी। इस घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा सिवाय मेरे नील के बच्चे के, क्योंकि नील और उसका बच्चा ही बनेगा महलों का राजा। और इसलिए प्रिया के बच्चे को गर्भ में ही खत्म मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.